हेलो गाइस, स्टडी मेक शॉर्ट में आपका स्वागत है। जैसे ही हम आपके पास वीक मंथली करंट अफेयर के साथ, जिसमें दिसंबर मंथ के सारे करंट अफेयर कवर किए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो बता दें, ये वन लाइनर करंट अफेयर है जिसमें सारे एग्जाम को कवर किया जाता है। BPSC, बिहार SSC, बैंक, रेलवे SSC और ये बिहार के एग्जामों को ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। और आपको हमारा ये PDF चाहिए तो हमारा यहाँ PDF का लिंक दिया हुआ है t.me/prasadsabita। और आपके पास क्योरी और कोई सजेशन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जाके आपसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए नए साल में हम अपने पुराने साल का दिसंबर मंथ का करंट अफेयर कवर करते हैं जो कि सारे एग्जाम के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय न्यूज के साथ। तो भारत का फिस्कल डिफिसिट 2022 से 23 के अप्रैल नवंबर में लक्ष्य का 58.9% रहा। जो उनका लक्ष्य था उसका 58.9% रहा। छोटी बजट योजनाओं पर ब्याज 1.1 तक बढ़ा, यानी ब्याज को बढ़ाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अब तक PLI योजना के तहत 39,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। IAF ने सुखई प्लेन से 400 किमी रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये IAF एरोनेटिक होता है, इंडियन एरोनेटिक। और अगला हमारा करंट अफेयर है, IT मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। तो आपके एग्जाम अगर आता है स्टे सेफ ऑनलाइन, तो ये साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अभियान है। और अगला हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का पहली ऐप लॉन्च किया। भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 3D प्रिंटिंग यूनिट का लॉन्च किया। गंगा में सीवरेज ढांचे के लिए 27,000 करोड़ के परियोजनाओं को मंजूरी मिली। स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम ने 6वीं वर्षगांठ मनाई। तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन कवर हो रहा है, भीम जो कि इंडियन ऐप है और दूसरा कि अभी हाल ही में इसने अपनी 6वीं वर्षगांठ मनाई। अगला है हमारा, राष्ट्रपति मुर्मू ने श्रीशैलम मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगला न्यूज है हमारा, तारों को दिया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, यानी जो आसमान में जो तारे हैं उनमें से किसी एक को अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया। अभी हाल में उनका बर्थ भी था, उनका जन्मदिन था, जिसके उनके जन्म पर सुशासन दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। अगला हमारा करंट अफेयर है, ट्रेन पटरी पलटने या चटकने का संदेश तत्काल रेलवे अधिकारी के मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा। यह संभव होगा ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम से, जिसे भारत सरकार के साहिबाबाद स्थित उपकेंद्र सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं उसकी खबर अब रेल के अधिकारियों को मोबाइल के मैसेज में पहुंच जाएगा या कॉल से, ये जो डिवाइस है वो डिटेक्ट कर लेगी, जिससे दुर्घटनाओं की जो संभाव होती है हमारे कंट्री में वो कम होंगी। ये अच्छी पहल है। अगला हमारा करंट अफेयर है, पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। अच्छा करेंगे 12 जनवरी को कर्नाटक में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के मानसिक स्वास्थ्य पर UNSC के संकल्प के पक्ष में वोट दिया। अगला है, इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिकन उपकरण ले जाएगा। YouTube ने भारत की GDP में 10,000 करोड़ का योगदान के साथ लगभग 7.5 लाख पूर्णकालीन समकक्ष रोजगार को भी समर्थन दिया। अगला है हमारा, कैबिनेट ने 2023 के लिए कॉपर के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी, जिसमें 2023 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा को 10,860 प्रति क्विंटल, बॉल कोपरा के लिए 11,750 प्रति क्विंटल,
एमएसपी निर्धारित किया गया। आईएमएफ ने फाइनेंशियल 23 घटाकर भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 किया। पहले ये 7.7% था, अब इसको 6.8 कर दिया गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,000 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी, यानी जो हमारा तीनों रक्षा परिषद है, जल वायु और थल, इसके लिए 84 करोड़ से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत में अग्निन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नमामि गंगे संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। UIDAI नवंबर में लगातार चौथे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर रहा। इसरो ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 10,37.90 करोड़ रुपए आवंटित किए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि वर्ष 2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ किए जाएंगे। आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौतों का हस्ताक्षर किया। लेखिका मानसिंह गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु इसरो और सोशल अल्फा ने समझौता ज्ञापन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31/3/26 तक बढ़ा दिया गया। ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देगी। इसरो लद्दाख के लिए स्थानीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करेगी। आपदा के समय भेजे जाने SMS पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। ट्राई भारत ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। नवंबर में GST कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हुआ। 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति होंगे शामिल, यानी जो जनवरी में गणतंत्र दिवस है इसमें मिस्र के राष्ट्रपति शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के तीसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत इच्छक किया गया लॉन्च। राज्य से जो न्यूज है उसको लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर आगे हम चलते हैं अपने स्टेट न्यूज के साथ। तो स्टेट न्यूज में एक मिनट, स्टेट न्यूज में पहला न्यूज हम लेते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया। अब जान लेते हैं फातिमा शेख है कौन। वो मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षाओं में से एक थी। अगला, तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को IASP 2022 पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा के बरगढ़ में धनु यात्रा शुरू की गई। तमिलनाडु ने नीलगिरी तरह के संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8-लेन ज्वारी ब्रिज गोवा में खुला। कश्मीर में चिलकई कला की शुरुआत। ये जानते हैं चिलकई कला क्या होती है। कश्मीर के श्रीनगर में हिमपात और बारिश की उच्च संभावनाओं के साथ घाटी में सबसे ठंडी और कठोर सर्दियों की अवधि को चिलकई कला कहते हैं। वन विभाग में केरल में प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया गया। भोपाल में आयोजित होगा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यानी भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एम के
स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लच्छा की खुबानी को मिला जीआई टैग। बिहार के सभी जिलों में वर्षा जल बचाने के लिए खुलेगा जल शक्ति केंद्र। जम्मू कश्मीर हर परिवार को मिलेगा यूनिक आईडी कार्ड। ये यूनिक आईडी कार्ड सिक्योरिटी पर्पज के लिए दिया जाएगा। वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHAC दिवस 2022 का उत्सव मनाया गया। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्केलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कार्तिकेय दीपक रथ उत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया। अगला हमारा है, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया। बिहार के केथवलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, जो 2024 में उद्घाटन किया जाएगा। गुजरात में चुनाव आयोग ने एक वोटर के लिए बनाया पोलिंग बूथ। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 नागालैंड में शुरू हुआ। डीजी यात्रा की सुविधा दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर शुरू हुई। ये डीजी यात्रा क्या है? ये डिजिटली यानी बिना कागजों के आप जो हमारे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी जांच होते उसे किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। बिहार में केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ये बिहार के गया जिले में शुरुआत हुई है। तमिलनाडु का अरित्तापट्टी गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। नई दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव शुरू। और असम में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलचर महोत्सव आयोजित किया गया, जो कि असम में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अम्लैंड यानी एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया। मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की मंजूरी दी। वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हुआ। श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर आते हैं, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। आगे हम अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यूज स्टार्ट करते हैं। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन और बेंजामिन नेतन्याहू फिर बने इजराइल के PM, छठी बार ली शपथ। अमेरिका यूक्रेन को अपने प्रमुख पेट्रियल मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। पेट्रियल एक मिसाइल है या सतह से हवा मार करने वाला निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर ने दुनिया के 50 महान एक्टर की लिस्ट में शामिल किया शाहरुख खान को। वीर गार्जियन 23 भारत जापान जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धक अभ्यास आयोजित करेंगे। यानी वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में है। आपको याद रहेगा, स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, 16 साल का ऊपर का कोई भी होगा वो अपना लिंग बदल सकता है। स्पेन में टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया। यानी वो अपने छत पे उनको सोलर पैनल लगाना कंपलसरी रहेगा। फ्रांस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े की मेजबानी करेगा। इराक को पीछे छोड़ रूस पहली बार बना भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ABD ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान से 7% पर अपरिवर्तित रखा। यानी इसका
वृद्धि 7% रखा। अगला है भारत काजिकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 मेघालय के उमरोई में शुरू होगा। आपको भारत ये काजिंद तो याद रहेगा, काजिकिस्तान जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और काजिकिस्तान का। अगला है अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, यानी आर्टिफिशियल सन की उन्होंने सफलता पूर्वक बना लिया है जो आने वाले समय में हमारे जो सूर्य है उसकी जगह ले सकता है। और 7G7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों के समूह में वियतनाम को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए समझौता मंजूरी दी गई है। 2022 में वैश्विक व्यापार $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा संयुक्त राष्ट्र। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोल्विन मोड यानी गोल्विन मोड को साल का शब्द चुना। जापान ब्रिटेन और इटली अपनी अगली पीढ़ी की जेट लड़ाकू परियोजनाओं का विलय कर रहे हैं ताकि 2035 तक एक उन्नत फ्रंटलाइन 6GV परमाणु 6GV का लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके। यानी ये कौन कौन से देश हैं? जापान ब्रिटेन और इटली। भारतीय अमेरिकी कृष्ण बबी लाला को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में 2022 में भारत 87वें स्थान पर यानी 87 स्थान पर। फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बने भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला। एंटी माइक्रोविचिल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य 2030 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वस्थ कार्रवाई करने में तेजी लाना है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा को COP50 शुरू किया गया। इटली के रोम में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। भारतीय और सिंगापुर के बीच अग्नि युद्धाभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न। चीन के पूर्व राष्ट्र जियोंग जैमिन का निधन। समझौते पर आते यानी एग्रीमेंट पर टाटा मोटर जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा करेगी। टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया के अडानी समूह ने NDTV के संस्थापक परनय रॉय और राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26% हिस्सेदारी को हासिल करेगी। यानी डायरेक्ट बोल दे तो अडानी ग्रुप NDTV को अपने बचे हुए शेयर को ले लेगी। जियो 3,720 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राट्रेक का अधिग्रहण करेगी। HDFC को IFC से हरित किफायती आवास इकाइयों के लिए $40 करोड़ का कर्ज मिला। सेबी ने BSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी। एयर BNB ने समाजवेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नैनीताल बैंक ने अपना अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगी बैंक ऑफ बड़ौदा को। SBI ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया यानी माफ किया। HDFC बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप गाइड्स के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी की। भारत और दक्षिण कोरिया में 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। रोल्स रॉयल और EasyJet कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन बनाया जो हाइड्रोफ्यूल पर चलेगा। NDTV की प्रमोटर कंपनी ने अदानी ग्रुप के VCPL को ट्रांसफर किया 99.5% शेयर। यानी वही अदानी ग्रुप को NDTV ने अपने सारे शेयर ट्रांसफर किए। अगला अपॉइंटमेंट पे आते हैं। लक्ष्मी सिंह बनी यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। लक्ष्मी सिंह बाकी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। भारतवंशी मिक्की होती बने लोधी सिटी के पहले सिख मेयर। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा यूरोप में जीव विज्ञान की युवा अन्वेषण के रूप में चयनित। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया।
एजाज खान को सऊदी अरबिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से अलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया। पुष्प कमल दहल प्रचंड होंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केवी साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर के B20 चेयरमैन नियुक्त हुए। NDTV के प्रबंधक और निदेशक के रूप में मिनेश सिंह को नियुक्त किया गया। राजीव लक्ष्मण करंदीकरण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2023 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICAI का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय मूल की 3 महिला विज्ञानी ऑस्ट्रेलिया के STEM के सुपरस्टार में शामिल, नीलिमा काडियाला, डॉक्टर एना बाबूरमनी और इंद्रानी मुखर्जी। संजय कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। प्रशांत कुमार AAAI के नए अध्यक्ष चुने गए। दीपा मलिक निश्चय यानी क्षय रोग पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त हुई। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पुरस्कार पे आते हैं, लेखिका नामिता गोखले को 20 देश के लिए नीलिमा रानी साहित्य सम्मान दिया गया। और UIDAI मुख्यालय भवन को सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार दिया गया। सुदीप सेन, शोभना कुमार और सुजैन केरोय के कला और साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। NHPC हाइड्रो जो कि हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ने सबसे वैश्विक प्रतिस्पर्धी नियुक्ति कंपनी का पुरस्कार जीता। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपी प्रदीप ने इन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया। बेथमिड यानी फुटबॉलर को BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द 2022 अवार्ड से नवाजा गया। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल ओपन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर क्रॉस को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। भारतीय फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए गए। स्पाइस जेट को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु मेघालय को पुरस्कृत किया गया। टिप्पो आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया। खेल जगत को न्यूज को लेते हैं, पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत, जो गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न होगी। इटली के सेम करण IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, पंजाब किंग्स ने उन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। की वार्षिक सूची में PV सिंधु शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में शामिल हुई। Airbnb ने समाजवेशी पर्यटन बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार के साथ समझौते पर ज्ञापन किया। जो रूट टेस्ट ने 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। सिंधु हुक को 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नामित किया गया। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। बेल्जियम के फॉरवर्ड एलन हजारे ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। मैकलोगनी लोवरेन और मोंडो डुप्लोटिन ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता। आदित्य मित्तल भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत में IPL 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली विषय। 5 दिसंबर से शुरू होगा 3रा बाइडन T20 वर्ल्ड कप, यानी ये जो अंधे लोगों के लिए होगा। विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल सौराष्ट्र महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। भारत मुक्केबाजी ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत स्वर्ण पदक जीता। तिथि पे आते हैं, 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस, ये इसका 60वां था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को फिर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 2 दिसंबर को फिर से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। 4 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती मनाई गई।
9 दिसंबर को नरसंहार की रोकथाम अपीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विजय और चिन्हित करने के लिए भारत में विजय दिवस मनाया गया, 17 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं जयंती मनाई गई, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट दिवस। तो फ्रेंड आपसे अनुरोध है कि इससे वीडियो बनाने हमारा काफी मेहनत लगता है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।